एनएसआर मैकेनिज्म में आगे बढ़ते हैं यार और डिस्कस करेंगे एसएन टू मैकेनिज्म। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? दिस इज केमिस्ट्री बाबा, वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को फील करते हैं। एनएसआर मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। एनएसआर मैकेनिज्म में एसएन वन रिएक्शन का मैकेनिज्म अपन डिस्कस कर चुके हैं। आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है एसएन टू मैकेनिज्म, जो आपकी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन जो रहती हैं उनका जो मैकेनिज्म होता है, आज अपन उसे पूरी तरीके से बहुत कम टाइम में और बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि अगर एसएन टू रिएक्शन का क्वेश्चन आपके पास आता है नीट जेई में तो बड़ी रफ्तार के साथ आप उसका आंसर दे सको यार, ठीक है। तो एसएन टू का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन। तो यहां पर जो मॉलिकुलरिटी रहती है रिएक्शन की वो कितनी होती है? टू होती है, ये ध्यान रखेंगे यार, ठीक है। यहां पर जो एसएन टू मैकेनिज्म है उसे अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल मैंने लिया हुआ है CH3Br, ठीक है। उस पर OH नेगेटिव का मैं अटैक करा रहा हूं, Br निकलेगा, OH नेगेटिव सब्स्टिट्यूट हो जाएगा Br की जगह पर, ठीक है। तो ये रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड हुई होगी, किस तरह से आपका प्रोडक्ट बना होगा, कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें होंगी जो इसकी रेट को बढ़ाएंगी या घटाएंगी, उन सब की बातें अपन यहां पर करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ये जो एसएन टू रिएक्शन होती है उनका जो मैकेनिज्म होता है वो सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होता है, ठीक है। एक ही स्टेप में आपकी पूरी रिएक्शन क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। चलिए देखते हैं कि भाई ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म किस तरह से होता है। यहां पर देखें आप, इस कार्बन से तीन हाइड्रोजन कनेक्टेड और एक Br कनेक्टेड है, जैसे समझें ये कार्बन है, यहां पर ये हाइड्रोजन, यहां पर ये हाइड्रोजन, यहां पर ये हाइड्रोजन और यहां पर क्या है? Br कनेक्टेड है। अब इस पर होता क्या है कि आप OH नेगेटिव का अटैक कराते हो। यहां पर ये जो OH नेगेटिव है वो बैक साइड से ही अटैक करता है, फ्रंट साइड से अटैक नहीं करता, क्योंकि फ्रंट साइड से आपका लिविंग ग्रुप लीव कर रहा होता है, ठीक है। तो उसका स्टेरिक हिंडेंस लगता है, तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करता है? बैक साइड से अटैक करता है, ठीक है। जब बैक साइड से अटैक करेगा तो एक ऐसी स्टेट आएगी जिस पर आपका OH यहां पर जुड़ रहा होगा और Br यहां से निकल रहा होगा, कुछ इस तरह की स्टेट होगी। देखना, ये कार्बन, इसके तीन हाइड्रोजन ये रहे, ठीक है, और यहां पर आप देखोगे कि यहां से जो Br है वो निकल रहा होगा और यहां से जो आपका OH है वो क्या हो रहा होगा? जुड़ रहा होगा। ये जो बॉन्ड है Br वाला वो टूट रहा होगा, ब्रेक हो रहा होगा, और ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा होगा? फॉर्म हो रहा होगा, एक ऐसे स्टेट जहां से लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है और आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो सब्स्टिट्यूट होने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसी स्टेट को आप क्या बोलते हो? ट्रांजिशन स्टेट। यहां पर ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हुई है, कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं हुआ, ये ध्यान रखें, यहां पर ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हुई है। और ऐसा एक टाइम आएगा जिस पर आपका Br कंप्लीटली निकल जाएगा और OH कंप्लीटली यहां पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, कुछ इस तरह से आपका Br नेगेटिव के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये रिएक्शन इस तरह से प्रोसीड होती है, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होता है, ठीक है। एक साइड से आपका Br लिविंग ग्रुप लीव कर रहा होता है, दूसरी साइड से आपका बैक साइड से आपका न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा होता है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, यहां पर कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट आता है, देयर इज नो इंटरमीडिएट, ओनली ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है। अब अगर आप ट्रांजिशन स्टेट वाला जो कार्बन है उसे थोड़ा गौर से देखें यार, ठीक है। यहां पर आपसे अगर कोई कहे कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, तो यहां पर इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितना है भाई? sp2 है, ये ध्यान रखेंगे। यहां पर ये जो तीन सिग्मा है हाइड्रोजन वाले, उन्हीं को आप काउंट करोगे, इन दोनों बॉन्ड्स को आप काउंट नहीं करोगे, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये Br निकल रहा होगा तो ये बॉन्ड टूट रहा होगा और वह जुड़ रहा होगा तो ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा। तो यहां पर जो सेंट्रल कार्बन एटम है ट्रांजिशन स्टेट का वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ऐसा क्वेश्चन आपके AIPMT नीट में आ चुका है भाई, तो ये ध्यान रखेंगे। तो ट्रांजिशन स्टेट का जो कार्बन है सेंट्रल कार्बन एटम वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो नेक्स्ट पॉइंट यहां पे आता है, सेंट्रल कार्बन एटम ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे यार, ठीक है। ये जो ट्रांजिशन स्टेट होती है बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती है। क्यों अनस्टेबल होती है? क्योंकि इस कार्बन को देखो, कार्बन की चार वैलेंसी होती है लेकिन यहां पर ये पांच ग्रुप से सराउंडेड होता है, ठीक है। तो इसे आप कभी भी एक्सपेरिमेंटली आइसोलेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये जो स्टेट है बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, क्योंकि यहां पर जो कार्बन है वो पांच ग्रुप से साइमल्टेनियसली सराउंड होता है,
ठीक है। तो ट्रांजिशन स्टेट इज अनस्टेबल एंड कैन नॉट बी आइसोलेटेड एक्सपेरिमेंटली बिकॉज सेंट्रल कार्बन एटम ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज सराउंडेड बाय 5 एटम स्पेरिकली सो अनस्टेबल। ठीक है, तो यहां पर सराउंड होते हैं भाई, तो यहां पर यह अनस्टेबल होता है, यह ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की यहां पर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का प्रेजेंस होना, ठीक है, एक फेवरेबल कंडीशन होती है, प्रेजेंस ऑफ पीएस इज फेवरेबल कंडीशन। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें रेट ऑफ रिएक्शन की, तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन ऐसी देखी जाती है कि यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड की पावर 1 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल की पावर 1। तो यहां पर अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करोगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म इन रेट लो, ये रेट लो है, अगर इनके कॉन्सेंट्रेशन टर्म की जो पावर है उनका जब आप सम करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा कि सर ये तो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही होगी, ठीक है। तो यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन रहेगी, ठीक है, वो बेस की कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड कर रही है और आपके जो अल्काइल हैलाइड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड कर रही है। मैं साइमल्टेनियसली बेस और न्यूक्लियोफाइल यूज करता हूं, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखेंगे कि बहुत बेसिक सा डिफरेंस होता है बेस और न्यूक्लियोफाइल में, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, दोनों ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं उस चीज को, ठीक है। तो यहां पर सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को ये फॉलो करती है। अगर यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है, अगर SN1 की तरफ मूव करें तो वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन बेस की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, तो वीक बेस रिक्वायर्ड होता था, लेकिन यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस पर डिपेंड कर रही, तो यहां पर हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की जरूरत होगी, स्ट्रॉन्ग बेस रिक्वायर्ड होगा। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, सो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इज रिक्वायर्ड फॉर SN2। SN2 के लिए आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की जरूरत होने वाली है। नेक्स्ट अगर बात करें रिएक्टिविटी टूवर्ड SN2, ठीक है, यहां पर कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा, यहां पर ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, ठीक है, और ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगी तो प्रोडक्ट बनेगा, और ये ट्रांजिशन स्टेट तब बनेगी जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो उसके लिए स्टेरिक रिपल्शन क्या होना चाहिए, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि रिएक्टिविटी टूवर्ड SN2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस आपका अगर कम होगा तो रिएक्टिविटी टूवर्ड SN2 क्या होगी, ज्यादा होगी, ये ध्यान रखें। और SN1 की रिएक्टिविटी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती थी, क्योंकि वहां पर इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, यहां पर कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं हुआ है, यहां पर क्या हुआ है, यहां पर ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, और ट्रांजिशन स्टेट स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा तो आसानी से बन जाएगी और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा तो रिएक्टिविटी टूवर्ड SN2 ज्यादा होने वाली है। नेक्स्ट एक ऐसा एग्जांपल आपको NCERT में मिलेगा भाई, हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स वाली NCERT पढ़ोगे ना, तो वहां पर ये दोनों एग्जाम्पल देख रखे हुए हैं। इनकी SN2 की रिएक्टिविटी कंपेयर कराई गई है एलाइलिक बेंजाइलिक 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो यहां पर जो SN2 की रिएक्टिविटी आती है वो आती है बेंजाइलिक में सबसे ज्यादा, अलाइलिक में सबसे ज्यादा, देन आती है आपके पास 1 डिग्री, देन आती है आपके पास 2 डिग्री, और देन आती है 3 डिग्री। सर अलाइलिक और बेंजाइलिक में तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, बेंजाइलिक में तो ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होना चाहिए तो रिएक्टिविटी कम आना चाहिए, इसकी भी अपन बात करने वाले हैं, लेकिन ऑर्डर यही रहता है, ये ध्यान रखें। SN2 का जो ऑर्डर है वो क्या है, बेंजाइलिक जो हैलाइड रहेगा वहां पर रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, देन अलाइलिक की, देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। ये तो स्टेरिक हिंड्रेंस से आपने देख लिया, यहां पर भी ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है, वो बेसिकली 120 डिग्री पर होते हैं, तो उनका स्टेरिक रिपल्शन लगता नहीं है, ठीक है। तो यहां पर बेंजाइलिक सबसे ज्यादा, देन अलाइलिक, देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। इसको अपन डिटेल में लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करने वाले हैं SN2 और SN1 के लिए, तो यहां पर वो पॉइंट कवर्ड होने वाला है, लेकिन ध्यान रखेंगे SN1 में रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या था, बेंजाइलिक अलाइलिक 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, और SN2 में क्या आ रहा है, बेंजाइलिक अलाइलिक 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, ये ध्यान रखेंगे, NCERT में गिवन है यार, ठीक है। नेक्स्ट अगर एक और क्वेश्चन, एक और एग्जांपल गिवन है RI, RBR, RCL और RF, यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस फिक्स है, R लगाने वाला है, ठीक है, लेकिन लिविंग ग्रुप अलग अलग है। अगर लिविंग ग्रुप अलग अलग है तो NSR का बेसिक पे जाओगे तो उसकी रिएक्टिविटी 3 फैक्टर पर, कौन कौन, स्टेरिक हिंड्रेंस, लिविंग टेंडेंसी ऑफ ग्रुप और न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ। तो यहां पर अगर न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ को अगर
कॉमन मान लेते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस भी कॉमन है यहाँ पर, तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी पर यहाँ पे आप जानते हो कि आई नेगेटिव के फॉर्म में ये बी आर नेगेटिव, ये सी एल नेगेटिव और ये एफ नेगेटिव, ठीक है। और आप जानते हो कि ये सारे के सारे ग्रुप में रहते हैं और ग्रुप में कंट्रोलिंग फैक्टर साइज, ज्यादा साइज वाले पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल, तो यहाँ पर आई नेगेटिव सबसे ज्यादा स्टेबल होगा तो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, पर अच्छा लिविंग ग्रुप होगा तो आसानी से लीव कर जाएगा और आपका रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ऑर्डर आएगा वो आएगा आर आई आर सी एल आर बी आर RI, RBR, RCL और RF, यही SN1 का ऑर्डर था और यही SN2 का ऑर्डर है, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन यहां पर ऑर्डर चेंज हुआ है, ये ध्यान रखें, SN1 और SN2 में, ये NCERT में गिवन है, कई बार पूछा जा चुका है, अभी भी पूछ लिया जाएगा नीट 2021 या जेईई मेंस में, तो किसी को हैरत की बात नहीं होगी क्योंकि एनसीईआरटी में बिल्कुल साफ भाषा में लिखा हुआ है। अगर आप चाहें तो हेलो अल्किन्स की जो SN1 SN2 का जो मैकेनिज्म गिवन है वहां पर इन चीजों को देख सकते हैं यार बड़ी आसानी से, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ पॉइंट हुए SN2 मैकेनिज्म के। सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होता है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, पीएस फेवरेबल कंडीशन होती है, रिएक्टिविटी टुवर्ड SN2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ये सारी की सारी बातें आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए यार। नेक्स्ट जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं भाई कि एनर्जी प्रोफाइल क्या रहने वाली है SN2 की। जैसे अपन ने SN1 में एनर्जी प्रोफाइल बनाई थी उसी तरीके से SN2 की एनर्जी प्रोफाइल देखने वाले हैं, और साथ में डिस्कस करने वाले हैं स्टीरियो केमिस्ट्री की, भाई इन्वर्जन होने वाला है या रिटेंशन ही रहने वाला है, रेसमाइजेशन होगा कि नहीं होगा, ये सारी बातें अपन डिस्कस करने वाले हैं। अपन यहां पर एनर्जी प्रोफाइल और स्टीरियो केमिस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं SN2 रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल बनाता हूं, एनर्जी प्रोफाइल मतलब पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट में अगर मैं यहां पर एक ग्राफ बनाता हूं, तो मुझे बताओ कि यहां पर ट्रांजिशन स्टेट कितनी बनेगी, कि सर जितना इंटरमीडिएट बनता है उससे एक ज्यादा हमारी ट्रांजिशन स्टेट बनती है, यहां पर इंटरमीडिएट कितने बने, जीरो, तो ट्रांजिशन स्टेट कितना बनेगा, वन। तो यहां पर जो रिएक्शन चलती है वो कुछ इस तरह से चलती है यार, इस तरह से आपका एक ट्रांजिशन स्टेट यहां पर फॉर्म होता है, ये ध्यान रखें, ठीक है। ये ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगा और ये आपकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये ध्यान रखें। इस तरह का क्या होता है आपका एक एनर्जी प्रोफाइल यहां पर बनती है, जिसे आप ध्यान रखेंगे आप। दूसरा, अगर मैं स्टीरियो केमिस्ट्री की अगर यहां पे बात करूं, तो यहां पर क्या होता है, इन्वर्जन होता है, ये ध्यान रखें, यहां पर क्या होता है, इन्वर्जन होता है एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन का, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल है वो सिर्फ बैक साइड से अटैक करता है, फ्रंट साइड से बिल्कुल भी अटैक नहीं करता है, क्योंकि फ्रंट साइड से लिविंग ग्रुप लीव कर रहा होता है तो उसका स्टेरिक रिपल्शन न्यूक्लियोफाइल फील करता है, इसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल सिर्फ बैक साइड से अटैक करता है। मतलब अगर आपका यहां पर अगर आपका रिएक्टेंट की जो कॉन्फ़िगरेशन है, अगर वो R है तो प्रोडक्ट S होगा, और अगर रिएक्टेंट S है तो आपका प्रोडक्ट R होने वाला है, R है तो S में, S है तो R में यहां पर कन्वर्ट हो जाता है, ये ध्यान रखें। इसको बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन, यहां पर क्या होता है, वाल्डन इन्वर्जन होता है, वाल्डन इन्वर्जन कहा जाता है, ठीक है। वाल्डन इन्वर्स मतलब जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उसका इन्वर्स होने वाला है, आर है तो एस, एस है तो आर में ये कन्वर्ट हो जाएगा भाई, ठीक है, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल है सिर्फ बैक साइड से अटैक करेगा, और बैक साइड से अटैक करेगा तो यहां पर इन्वर्जन देखा जाएगा। इन दिस मैकेनिज्म इन्वर्जन ऑफ एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन अकर बिकॉज न्यूक्लियोफाइल फील स्टैर न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बैक साइड ओनली एज न्यूक्लियोफाइल फील स्टैरिक रिपल्शन ऑफ लिविंग ग्रुप फ्रॉम फ्रंट साइड। फ्रंट साइड से लिविंग ग्रुप लीव कर रहा होता है और न्यूक्लियोफाइल वहां से स्टैरिक रिपल्शन फील करता है तो न्यूक्लियोफाइल से बैक साइड से अटैक करेगा, और बैक साइड से अटैक करेगा तो इन्वर्जन देखा जाएगा। SN1 में रेसमाइजेशन पार्शियली होता था, यहां पर रेसमाइजेशन नहीं होगा, यहां पर इन्वर्जन हो जाएगा एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन का, आर है तो एस में, एस है तो आर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसे आप बोलते हो वाल्डन इन्वर्जन कहा जाता है। तो वाल्डन इन्वर्जन देखा जाएगा SN2 रिएक्शन में। तो SN2 रिएक्शन की कहानी क्या है, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, पीएस फेवरेबल कंडीशन है, ठीक है। तो और यहां पर जो रिएक्टिविटी SN2 की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेरिक हिंड्रेंस के, एनर्जी प्रोफाइल ये है, और स्टीरियो केमिस्ट्री इन्वर्जन होता है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन का। इतनी सी अगर बातें याद हैं तो SN2 की जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं बड़ी रफ्तार से आप उन्हें फोड़ सकते हैं। तो ये SN2 रिएक्शन की बात हुई। इसके बाद हमारे पास एक और मैकेनिज्म आता है ARSN, ठीक है, एरोमेटिक जो NSR होती है उनकी किस तरह का मैकेनिज्म होता है, क्यों डिफिकल्ट होती है वो रिएक्शन होना, ठीक है, उन सब की अपन बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।